सो हे गाइस, दिस इज अर्जुन वर्मा, योर टेक्निकल फ्रेंड। जैसे कि गाइस आप सबको पता है, हमने एक यहाँ पर सीरीज स्टार्ट की हुई है काइन मास्टर की, जिसमें कि मैंने आपको पहले दो वीडियोस में बताया था कि आप किस तरह से म्यूजिक ऐड कर सकते हो, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि आप द्वारा एक या दो म्यूजिक ऐड करने के बाद उसको स्प्लिट कैसे कर सकते हो, यानी कि कट कैसे कर सकते हो बीच में से अगर आप करना चाहते हो। तो गाइस आज की वीडियो में बट हम सीखेंगे कि आप किस तरह से अपनी वीडियो के अंदर जूमिंग जूम आउट इफेक्ट लगा सकते हो, वो भी गाइस सिंपल एक दो क्लिक के अंदर ही। तो गाइस चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बट गाइस उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि गाइस ये ऐसी ऐसी वीडियोस मैं इस चैनल पर बनाता रहता हूँ जिससे कि आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिल सकती है। तो गाइस चलिए आज की वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले हम, जैसे कि आप देख रहे हो कि आप हमारे फोन की स्क्रीन पर हो, अब उसके बाद हमने क्या करना है गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पर अपना काइन मास्टर को ओपन करते हैं। तो गाइस जैसे मैं यहाँ पर अपने काइन मास्टर को ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा काइन मास्टर ओपन हो चुका है। तो गाइस उसके बाद आपको यहाँ पर एक इंटरफेस मिलेगा काइन मास्टर का, उस पर मैंने आपको बताया हुआ आपने सिंपली कुछ नहीं करना था, सिंपल यहाँ पर प्लस के आइकन पर आप क्लिक करोगे तो आपसे वो पूछेगा आप किस रेशो के अंदर अपनी वीडियो को बनाना चाहते हो। तो गाइस मैंने यहाँ पर 16:9 को यहाँ पर सिलेक्ट किया, उसके बाद क्या हुआ कि वो हमारी मीडिया लाइब्रेरी के अंदर चले जाएगा, वो हमसे पूछेगा कि आप कौन सा मीडिया यहाँ पर यूज़ करना चाहते हो अपनी वीडियो के लिए। तो गाइस सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, गाइस मैं एक यहाँ पर आपके सामने एक वॉलपेपर ले रहा हूँ, ठीक है गाइस मैंने एक ये वॉलपेपर लिया, सिलेक्ट कर लिया इसको, तो हमारे पास यहाँ पर एक वॉलपेपर आ गया है। अब गाइस इस वॉलपेपर आने के बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक इसके बैकग्राउंड में म्यूजिक भी ऐड कर लेता हूँ। सिंपली हमने यहाँ पर म्यूजिक पर क्लिक किया, उसके बाद हमने यहाँ से म्यूजिक लिया प्लस किया, वो गाइस हमारा म्यूजिक यहाँ पर आ चुका है। इसको गाइस म्यूजिक को हम यहाँ से ट्रिम कर रहे हैं जितना हमें म्यूजिक चाहिए अपने अकॉर्डिंगली। तो गाइस इतना काम हमारा हो गया है। तो गाइस अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर क्रिएट करना है जूम इन जूम आउट इफेक्ट। उससे पहले बट गाइस मैं क्या करता हूँ यहाँ पर आने के बाद एक यहाँ पर और इमेज ऐड कर रहा हूँ अपना मीडिया से, अपने मीडिया से। तो मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर मैंने गाइस एक अपनी इमेज ले ली है यहाँ पर, जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर मैंने एक इमेज ले ली है। अब इस इमेज को लेने के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ गाइस, इस इमेज को इतना ही हम रखते हैं साइज, और जो हमारी पहले वाली इमेज थी हम उसको थोड़ा सा साइज कम कर देते हैं उसकी लेंथ, ताकि वो हमारे एडजस्ट हो जाए अपने अकॉर्डिंगली। अब ये गाइस इतना काम हमारा हो गया है, ये हमारा म्यूजिक हमने यहाँ तक स्प्लिट कर दिया, तो ये बिल्कुल फिट हो गया है हमारे इमेजेस के अकॉर्डिंगली। म्यूजिक जितनी लेंथ हमारी इमेजेस की है उतनी ही लेंथ हमारे म्यूजिक की आ गई है। अब गाइज हमने यहाँ पर करना है जूम इन जूम आउट इफेक्ट क्रिएट, तो उसके लिए गाइज आप सिंपली यहाँ पर इमेज पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है गाइज, आपको यहाँ पर ऊपर तीन ऑप्शन दिखेंगे राइट साइड में, एक आपको यहाँ पर कट का ऑप्शन दिखेगा, एक आपको स्क्रीन साइजिंग का ऑप्शन दिखता है, और एक आपको रोटेट का ऑप्शन दिखता है। तो गाइस सिंपली आपने क्या करना है, जो यहाँ पर सेंटर में आपको दिख रहा है यहाँ पर आइकन, आपने इस पर क्लिक करना है। तो गाइस जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पर ये दिखेगा, आपको ये पूछेगा स्टार्टिंग पोजिशन और एंड पोजिशन। तो गाइस हमारी जो स्टार्टिंग पोजिशन है, हम चाहते हैं हमारी स्टार्टिंग पोजिशन इसकी रहे इतनी छोटी। तो गाइज मैंने यहाँ पर क्या किया, इसका यहाँ पे साइज़ कम कर दिया, तो मैंने इसको इतना बता दिया। उसके बाद हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे एंड पोजीशन को, एंड पोजीशन पे गाइज मैंने क्या किया, मैंने इसको जूम कर दिया इतना। तो गाइज आप देख सकते हो कि क्या हुआ, यहाँ पर हमने एंड पोजीशन इतनी सेट कर दी है इसकी। इसी तरह गाइज हम यहाँ पर सेकेंड इमेज पर आएंगे अपनी, इसको यहाँ से टिक करेंगे। टिक करने के बाद हमने गाइज क्या करना है, यहाँ पर सेकेंड इमेज पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम दोबारा से यहाँ पर आइकन पर क्लिक करेंगे। अब इसमें हमने स्टार्टिंग पोजिशन क्या दी गाइज, स्टार्टिंग पोजीशन में हमने इसको दिया जूम इन करके, और एंडिंग पोजीशन पे गाइज हमने क्या किया, इसको जूम आउट कर दिया इतना कम, अपने अकॉर्डिंगली जितना हम चाहते हैं हमने उतना कम कर दिया इसको। ठीक है गाइज इतना काम हमारा हो गया है। अब गाइज आपको यहाँ पर एक प्लस का आइकन दिखेगा सेंटर में, आप चाहते हो कि ये देखिए गाइज अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर जूम इन जूम आउट इफेक्ट चल रहा है। बट गाइज क्या है कि हम चाहते हैं जैसे ही यहाँ पर ये हमारी इमेज चेंज हो यहाँ पर एक इफेक्ट आए, तो उसके लिए गाइज आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर प्लस पर क्लिक करना है। प्लस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर ट्रांजिशन आ जाएंगे गाइज बहुत सारी, तो आप जो भी ट्रांजिशन यूज़ करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। बट गाइज मैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना टेक्स्ट ट्रांजिशन में इसको यूज़ करता हूँ, तो मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद गाइज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको दिखेगा स्प्लिट टाइटल। तो गाइज मैंने यहाँ पर इस ट्रांजिशन को यूज़ किया, और यहाँ पर हमने टाइटल में क्या लिख दिया, सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे वेलकम माई वर्ल्ड। ठीक है गाइज इतना हमने लिखा। अब इसके बाद गाइज क्या करना है, हमने यहाँ पर सिंपली इसको क्लिक कर देना। अब उसके बाद अब मैं आपको गाइज अगर यहाँ पर प्ले करके दिखाऊं तो आपको क्या दिखेगा देखने में,
आपको देखिए। तो गाइस जैसे ही मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा जूम इन जूम आउट इफेक्ट क्रिएट हो चुका है, जो कि मैंने आपको बताया था कि हम आज की वीडियो में सीखेंगे। मैं आपको बताऊंगा सिंपली स्टेप में आप इसको कैसे क्रिएट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। और गाइस ये तो मैंने आपको सिंपली दो इमेजेस के ऊपर करके बताया। आप इस इफेक्ट को अपनी वीडियो के अंदर भी यूज़ कर सकते हो कि आप चाहते हो कि कहीं वीडियो का सेक्शन आपका आए जो जूम इन करके आए, कहीं सेक्शन आए कि जूम आउट होकर आए, या किसी अंदर वॉलपेपर यूज़ कर रहे हो आप वो भी यूज़ कर सकते हो वॉलपेपर्स भी। और साथ ही साथ आप यहाँ पर गाइस ट्रांजिशंस भी यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। तो गाइज आप देख सकते हो कि कितना सिंपल है यहाँ पर जूम इन जूम आउट इफेक्ट करना। और गाइज मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी, क्योंकि गाइज मैंने आपको इसमें बताया कि आप काइन मास्टर के अंदर सिंपल एक दो स्टेप के अंदर अपना जूम इन जूम आउट इफेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो, वो भी वेरी सिंपली। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।